शुक्रवार की देर रात बदमाशों ने लोजपा नेता के घर पर चढ़कर जमकर पथराव किया एवं फायरिंग की। हादसे में दो लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से गोली के 3 खोखा को बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में एक बदमाश को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला स्मैक पीने से मना करने को लेकर है। इस वारदात की पूरी फुटेज वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात के बाद लोजपा नेता के परिवार दहशत में है। घटना दानापुर के सगुना मोड़ की है। यहां बदमाशों ने लोजपा नेता चंदन यादव के घर पर जाकर उनके साथ जमकर मारपीट की, कई राउंड फायरिंग भी की। घटना में लोजपा नेता चंदन और उसके भगना घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर घायल लोजपा नेता के भाई विकास ने बताया कि उनके घर के पास कुछ बदमाश बैठकर मादक पदार्थ का सेवन कर रहे थे। जब चाचा ने बदमाशों को घर के पास से जाने को कहा तो उन लोगों ने गाली गलौज करते हुए देख लेने की बात कही थी। उन्हीं बदमाशों ने मारपीट और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखा बरामद किया है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि लोजपा नेता चंदन कुमार पार्टी के जिला अध्यक्ष है। हैरत की बात यह है कि लोजपा नेता का घर सगुना पुलिस चौकी के महज कुछ दूरी पर स्थित है, बावजूद अपराधी मारपीट और गोलीबारी कर फरार हो गए। दानापुर थानेदार कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी हुई है। उसी का साजिश से आज वाले बच्चे को मारता था। 7 से 8 राउंड गोली चलाया।